नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आज हम तृतीय पद पढ़ेंगे। ये आपका तीसरा आ गया है, तीसरा पद है इसमें। अब देखिए, राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद हो रहा है। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम की बड़बोली उक्तियों को सुन करके। बेहसी लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीसु महाभटमानी। हमने देखा कि परशुराम जो है लक्ष्मण को बड़ी बड़ी बातें करके एक तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहसी मतलब हंस करके, लखनऊ मतलब लक्ष्मण, बोले मृदुवाणी, बहुत ही कोमल वाणी में क्या बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी। महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा, कि ओहो मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम तो अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, इसलिए आप मुझे बार बार कुठारू मतलब कुल्हाड़ा जो उनके हाथ में है, दिखाओ मतलब दिखा रहे हो कि आप तो अपने आप को बड़ा योद्धा मानते हो, इसलिए आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावत फूकी पहारू, चहत मतलब चाहते हो, उड़ावन मतलब उड़ाना, फूकी मतलब फूंक से, पहारू मतलब पहाड़ को। तो देखिए जिस प्रकार परशुराम बड़बोलेपन से लक्ष्मण को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो लक्ष्मण भी जो है कम नहीं है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि आप तो इस तरह का प्रयास कर रहे हो मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतिया को उनाई, तो देखिए अब लक्ष्मण भी कम नहीं है, क्या कह रहे हैं, यहाँ कुंभड़ बतिया को उनाई जो तर्जनी देखी मरी जाए। लेकिन आपने देखा होगा कुंभड़ बतिया मतलब जो छुई मुई का जो पौधा होता है वो क्या होता है, उंगली दिखाते ही मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण यही कह रहे हैं कि हम भी कोई कुंभड़े की बतिया या छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी देखकर कुमला जाएंगे। अर्थात वो यही कह रहे हैं कि अगर आप वीर हैं तो हम भी वीर हैं। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने आपके हाथ में कुठारू मतलब कुठार, सरासन बाना मतलब धनुष बाण, ये देखिए जो शब्द दिए गए हैं सरासन बाना, कि आपके हाथ में कुठार और आपके धनुष बाण देख करके ही जो है मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। जो कुछ कहो सहो, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, प्रभुसुत समझे जनेऊ बिलोकी, कि आगे आपको प्रभुपुत्र समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आपने कहा उसे क्रोध पूर्वक या क्रोध रोक करके सहता हूँ। क्यों, देखिए रीजन यहाँ पे जो उसका कारण दिया है, सुर मही सुर हरिजनु अरिगाई, हमरे कुल इन पहने सुराई, कि सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, अरु मतलब और, गाई मतलब गाय, कि देवता ब्राह्मण भक्तजन और गाय हमारे कुल में इन पर शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता। सुराई मतलब वीरता, हमरे कुल इन पहने सुराई, कि हमारे कुल में इन पर वीरता प्रदर्शित नहीं की जाती है। बधे पापु अपकीर्ति हारे, तो यही कह रहे हैं कि आप तो क्या हैं, ब्राह्मण हैं, हमें पता है परशुराम जी ब्राह्मण कुल से हैं, तो बधे पापु, बधे मतलब वध करने से, पापु मतलब पाप, अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति मतलब अपयश, हारे मतलब हारने से, कि इसलिए आप ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे ही पाप लगेगा, और यदि आपसे हार जाऊँगा तो अपयश मुझे मिलेगा, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें, देखिए मार तो पाप पर यूँ तुम्हारे, कि इसलिए यदि आप मुझे मार भी देंगे तो भी मैं आपके एक तरह से परियूँ तुम्हारे, पाप परियूँ तुम्हारे, अर्थात मैं आपके पैरों में ही मुझे पड़ना पड़ेगा। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमाऊ महामुनिधीन, सुनी सरोष भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर। तो देखिए ये चौपाई थी और अभी दोहे में देखिए क्या कहा जा रहा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमाऊ महामुनिधीन, सुनी सरोष भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर, कि परशुराम जी, कि हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही जो है क्या है, करोड़ों कठोरताओं के समान है। ठीक है, आपने ये धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण कर लिया है, इसलिए इन्हें देखकर मैंने आपको अनुचित अगर कुछ कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे आप क्षमा कर देना। लक्ष्मण के जो व्यंग वचन है उनको सुनकर के
रघुवंश मणि परशुराम जो है क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।